बोलो बेटा आ गया सुनो आप ये गुड़िया मुझे माँ कहकर पुकारती है माँ कब तक इन गुड़ियों से जी बहलाती रहोगी कभी तो भगवान हम पर भी दया करेंगे नहीं कमला मुझे यकीन नहीं रहा भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं धन दौलत लेकिन औलाद औलाद नहीं दे सकते ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा भगवान सब कुछ दे सकते हैं अब भूल गए दशरथ जी के घर में भी तो बुढ़ापे में औलाद हुई थी वो भी एक नहीं चार चार राम लक्ष्मण भरत माता जी आज तक आप ही की तसल्ली से हम अपने मन को शांत करते आए लेकिन आपने अपनी बहू की हालत देखी दिन रात खिलौनों के साथ जी बहलाते बहलाते पागल सी हुई जा रही है मुझे भी 24 घंटे यही गम खाया जाता है जिंदगी का क्या भरोसा लाखों करोड़ों की जायदाद नाम इज्जत शोहरत ये सब किस काम का आखिर कोई तो हो जिसका वाली वारिस कहला मेरे बाद मेरे नाम को जिंदा रख सके लेकिन बेटा तुम कहना क्या चाहते हो मैं ये कहना चाहता हूँ माँ सिर्फ एक ही सूरत बाकी है और वो ये कि हम कोई अनाथ बच्चा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है न जाने किस जात पात का हो जात पात का क्या करना माँ और हो सकता है अगर हम तलाश करें तो हमारी जात का बच्चा मिल जाए लेकिन बेटा हाँ कह दीजिए माँ कुछ तो टूटे हुए दिलों की धारस बनेगी अच्छी बात है अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो कर लो तलाश को बच्चा मालिक कुछ कहना चाहते हैं बदली बहुत दिनों से मालकिन की हालत देखकर सोचता था लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं नहीं बदली बोलो क्या बात है मालिक हमारे गांव में आप ही के जात बिरादरी का अनाथ बच्चा है पैदा होते उसकी मां मर गई और चार पांच महीने के बाद उसका बाप बच्चे की उम्र क्या है मालिक बस यही 10-12 महीने की होगी अब तो सिलिया में यहाँ मालिक जो कम मैं कल शाम तक यहाँ ले आता हूँ और हाँ सुन अपने साथ कुछ रुपया पैसा भी लेता है शायद किसी को देना होना पड़े बात अच्छा बात अच्छा कमला सुना तुमने बद्री कह रहा था उसके गांव में हमारी जात का एक अनाथ बच्चा है मैंने बच्चे को लाने को उसे भेज दिया सच बहुत अच्छा किया आपने भगवान ने आज मेरी मुराद पूरी कर दी गंगा अरे तुम आज कैसे रास्ता भूल गए अरे अपने घर का भी रास्ता कोई भूलता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ ये देखो ये धोती और रुपए भी लाया हूँ हाँ, ये देखो और इसमें मुन्ने के लिए कपड़ा मुन्ना का ये रहा तुम्हारा मुन्ना राजू बेटा बाप की सूरत देखने को तरस गया है इसीलिए तो मैं लेने आया हूँ तुम्हें चलने की तैयारी करूँ नहीं गंगा अभी तू नहीं तुझे मैं बाद में लेके जाऊंगा क्या मतलब मतलब ये तू चाहती थी ना कि तेरा बच्चा सुखी रहे बड़ा आदमी बने बहुत से पैसे हों उसके पास मगर तुम्हारे पास कौन सी दौलत है जो उसे दे दोगे कभी खबर तक नहीं ली मरते हैं कि जीते हैं मरे तेरे दुश्मन आज से दुख की बात है सब खत्म अब तो मेरा राजू चंदन के पाले में झूलेगा सोने चांदी के बर्तन में खाना खाएगा अरे ये तो पलटी कैसे? गंगा पलटी वल्टी नहीं ये तो मैंने पलट दी है तू जानती है ना अपने ठाकुर महेंद्र सिंह लाखों करोड़ों के मालिक मगर घर में बाल बच्चा कोई नहीं तो दोनों मियां बीवी ने तय किया कि हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले मैंने सोचा मैं अपने बच्चों क्यों ना गोद दे दूं? नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कैसी मैं
अपने बच्चे का सुख नहीं देखती? दौलत अगर सुख पहुंचा सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है। तुम कैसे बाप मुझे अपनी औलाद को बेच रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं तो ठाकुर महेंद्र सिंह जायदाद का मालिक बना रहा हूँ। मालिक मैं किसी कीमत पर भी अपने कलेजे के टुकड़े को अलग न करूंगा। कौन से ढूंढ ले, इस बात में किसी को पता चले जबरदस्त हमारा पीछा किया, मैं दोनों टुकड़े कर दूंगा। मालिक तुम आ गए। बदली ये ले मालिक, ये ठाकरों के घर का है, इसे राजू कहते हैं। राजू नहीं, हम उसे राजकुमार कहो। बदली जो का मालिक, कितना प्यारा बच्चा है कल्ला, हमारा राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार कितना सुंदर है मेरा मुंडा, मेरा लाल। बदली ले आया बच्चा। हाँ मादी। अरे तो मुझे जो तुम दिखाओ, देखो देखो, अरे बहुत सुंदर, सचमुच ये तो बहुत ही सुंदर है। देखना बदली, कल को कोई हमसे छीन न ले जाए। नहीं माजी, अभी आप ही लोगों का है। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या तक रहा जा, मंदिरों में दीप जला, भूखे नींबू को खाना खिला, कपड़ा। Thank you.
आज। महेंद्र। क्या माँ? बेटा, मैं ना कहती थी कि सस्ता जी के घर में भी बुढ़ापे में आना चाहिए। सच माँ? आप खुश हैं ना? महेंद्र, अब तुम जल्दी से मेरी आंखों के मोती का ऑपरेशन करवा दो ताकि मैं जी भर के अपने पोते को देख सकूं कि बात हाँ 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 बहुत जल्दी बहुत जल्दी। चलिए डॉक्टर चलिए। ठाकुर आयन बहुत कमजोर है, उन्हें जल्दी से किसी हिल स्टेशन भिजवाने का इंतजाम कर। जी बहुत अच्छा है। बद्री, जहाँ हम एक बारिश को तरस रहे थे कहाँ दो दो बारिश हो गए। भगवान की देन है मालिक। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। हाँ बद्री, तुम जल्दी से पर्वत नगर चले जाओ, वहाँ पर अच्छी से कोठी देख लेना और वहीं से एक आयाबुल आदमी रख लेना। बहुत अच्छे मालिक। सब इंतजाम होने के बाद मुझे फौरन खबर देना, माता जी के ऑपरेशन के बाद मैं चला आऊंगा। बहुत अच्छे मालिक। ये देख, पता किसकी तस्वीर है? तेरे राजू की। जब ठाकुर साहब ने मुझे गोद लिया तो मैं तुझे क्या बताऊं, कितने धूमधाम से जश्न किए, क्या खुशियां मनाई। राजू आएगा ना? नहीं। तो इसका मतलब मैं राजू को देख नहीं सकती? नहीं, मैंने ठाकुर साहब को चिट्ठी लिख दी है, वो आने वाले हैं। और तू एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर किसी को पता चल गया कि तू इसकी माँ है और मेरी पत्नी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझी? ये सब राजू के लिए कर रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं। मां, बद्री की चिट्ठी आई है, जिसका उसने सब इंतजाम कर लिया है, आप लोग जल्दी आ जाइए। चलिए चले जाओ ना बेटा, आप भी चलिए ना माता जी। मैं भी चली चलती देती, लेकिन घर की देखरेख कौन करेगा? मुन्ना को मेरे पास छोड़ जा ताकि मेरा जी बन जाए। अच्छा मां, मैं सब इंतजाम करने जा रहा हूं। राम राम मालिक। राम राम। कैसे हो बद्री? अच्छा हूँ मालिक। बद्री, सब ठीक कर लिए? हाँ मालिक, सब ठीक हो गया है। आया भी रख लिए। आप अंदर चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, आओ चलो। ये लोग तो सचमुच से नहीं लाए हैं। भी बकवास, कह दिया ना तू उसके लिए मर गई, सामान ले। टेलीग्राम साइन कीजिए। लाला, दस्तखत करा के लाता हूं। मालिक, तार आया है। तार है? अपने वकील का। हम तो भूल ही गए थे कि कल और चौथ हमारे मुकदमे की तारीख है। अब क्या कीजिएगा? मुझे जाना ही पड़ेगा। आप वापस जाएंगे? मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा कमला। न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, दो तीन दिन से दाई आंख भी फड़क रही है। ये तुम्हारा बहन है, घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ बद्री है, आया है, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। लो चाय पियो। चलो मालकिन चले।
शायद आंधी आने वाली है, जल्दी चलो। जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लो। अपने बच्चे के लिए मौत होगी। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, ये काम उससे नहीं हो सकेगा। गंगा, तू नहीं करेगी तो मैं उसे खत्म करूंगा। नहीं गंगा, नहीं गंगा। कैसे बताऊं माजी, आकर कुछ बोल भी तो हुआ क्या? क्या बताऊं माजी, मालकिन का पैर तारे से फिसला और वो गिर गई और साथ से बच्चा भी। बद्री, मालिक सब देखती देखती हो गया, मैं तो डॉक्टर के पास भाग के भी गया। मगर मगर तुझे मौत में आई मिलना क्या भागे? माँ, किस्मत बेचारे का कर्म जो हमारी किस्मत में था। तुम चुप रहो, ये सब इस मनुष्य की वजह से हुआ है। जब से हमारे घर आया रोज कोई ना कोई आफत आती है, दूर होता मेरी नजरों से। माँ जी ठीक कहती, मैं बड़ा भागा हूँ। बद्री मालिक, जो कोई गलती हुई हो उसे माफ कर देना।
मां मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद। अरे भगवान, तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। श्यामू, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक और खुशखबरी। क्या? मेरा ट्रांसफर पुणे से बॉम्बे हो गया। हम 5-6 दिन में चलने की तैयारी कर लो। बॉम्बे मेरा राजू भी तो वही होगा। मेरा राजू गया। इन कोठों का चक्कर छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। तू होता कौन है रोज रोज मुझे नसीहत करने वाला? 10-5 रुपया चाहिए तो ये ले और जाके पहना। ये शरीफों की जगह नहीं है, जवानी अंधी होती है, ठोकर खा जाओगे। आज्ञा। तुम तो राजकुमार का ऐस नसीहत करत रहू, जैसे तुम्हारा बिटवा तो आई। देखो तेरे तुम्हें कुछ नहीं आने का, तो पान लगा। जैसे तुम्हारा मर्जी का था। आइए आइए सरकार, आपकी राह में नजरों का फर्श बिछाऊं, कदमों पे दिल रखूं, जुल्फों का हार पहनाऊं। तशरीफ रखिए। शौक फरमाइए। बस इसी एक अदा पर फिदा है जबान। तो बांके लाल जी आज भी अपना बांकपन दिखाने डटे। पिछली भाई, बाप कमाई पे नहीं अकड़ते। बांके आया है राजकुमार जी, आपको मेरी कसम, कुछ मोहब्बत की बातें कीजिए, प्यार के फसाने छेड़िए। क्या कहा, प्यार की बातें? अरे तुम्हें प्यार पे गुस्सा आता है और अपने को गुस्से पे प्यार आता है। आए कदर आदाब बिजली भाई, और आपको भी उस्ताद जी। राजू भैया, आज बहुत अकड़े बैठे हो, किधर घूर रहे हो? भाग्य लाल जी, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। आज फिर एक मैच में दो तलो मामला जोरों पर है। देख लेते हैं अभी हम किसमें कितना जोर है। Thank you.
1000 रुपए बांके, मैं तुम्हारे खानदान को खरीद सकता हूं। बिजली भाई, ये लो 20,000 का है। शुक्रिया। ले लो बिजली भाई, लेकिन चोरी का माल लेने वाला पहले पकड़ा जाता है और चोर बाद में, समझी? बांके, आप तो मेरी जान के लिए आज जाएगा। आप ही कैसा मजाक करते हो? बिजली भाई, मैं तुम्हारे कोठे का लिहाज करता हूँ, नहीं तो मैं सारे घर को जला दूंगा। राजू भैया, तुम भी किसके मुंह लगते हो? बाकी भैया, शाबाश शाबाश। इस फुलवारी में बहुत से फूल हैं, चलो अपन किसी और फूल के भरे बने। चलो उस्तादी, जूते भेजा देना पान की दुकान पे जल्दी। अब तू के लिए गुस्से को? बिजली, अगर आज तुमने अपने सर की कसम न दी होती तो मैं उसे ढेर कर देता। छोड़िए उस्ताद जी, लाओ ना बुला दी। कुर्बान जाओ बिटिया, क्या याद दिलाया, अभी आया। रातें उसकी हैं, दिल उसका है, दिमाग उसका है, तेरे जैसे जिसके जानों पर परेशान हो गए। अरे राजू भैया, मैं हूँ मौजी। बिजली, मैं चलू? ठीक है। राजू भैया, बहुत अंटी अंटी चिल्ला रहा था, मैं उसके आंटी का सब जोर निकाला। चलो चले चलो। इधर नहीं, घर घर घर। तो फिर ये बटन बंद कर। बटन? हाँ तो बटन दे। चलो चलो जा। अच्छा बिजली भाई, साथ का दरवाजा बंद कर रहे हैं। काका, सारा बाजार बंद हुई गवा, तुम का रहन बसेरा यही हन कर लो। का राजू भैया, ये बिजली एक दिन बिजली गिरा कर ही दम लेगी। अब बिजली बिजली नहीं गिराएगी तो क्या, बर्फ गिराएगी? चल मेरी तरह चल। मैं तो सीधी तरह चलता हूँ। ये तो बिजली भाई का घर नहीं है जो मैं आ जाऊँ। बाके, आंटी के चक्कर में मत रहना अपना। मैं तेरी तरह हट जा, वरना लाश का पता नहीं चलेगा। मेरी लाश राजू, ये तो एक ही हाथ में लुढ़क गया। मर गया, ये क्या किया तुमने? इसी दिन से मना करता था ये मत है करो, तक नहीं बचा 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 बचा
जरा तू भी तो दीदी की जली कट्टी सुनती जा। ओफो, तेरी दोस्ती में अच्छी मुसीबत। चल लड़कियों, शाम से रात तकते तकते आंखें पथरा गई हैं। तुम लोगों को कुछ घर का ख्याल है भी या नहीं? जी जी, बात यह है कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसकी देर हो गई। अच्छा चीला, मैं जाती हूँ, मगर सुबह जल्दी आना, मेरी सालगिरह का इंतजाम तुम्हीं को करना है। हाँ, हाँ? अच्छा अच्छा, आ जाएगी। टाटा टाटा। वर्षा दीदी, इतनी रात गए? पुणे से मुंबई तक कितना लंबा सफर,
और अकेले तुझे डर नहीं लगा? डर डर के साथ छीने मेरे साथ थी, मगर दिन को आ जाना था। हम चले तो दिन को ही थी, मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। खैर सुन तू दीदी, बाकी बात सब सुबह करेंगे, मुझे बड़ी नींद आ रही है। आए है बात क्या है, ना हाथ मुंह धोया ना कपड़े बदले, सीधी आकर पलंग पर पड़ गई। दीदी नींद आ रही है मुझे। दीदी आपको तो नींद आ रही है? अरे सो जाइए। अरे अरे क्या करती है पगली, दीदी सो जाइए ना। मगर छोड़ तो, मेरा तो दम घुटने लगा है। पर सो जाइए दीदी प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। पुलिस की जीप, कितनी रात गए, कहीं तू अपनी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट तो नहीं कराई? एक्सीडेंट क्यों करने लगी? जरूर ये रही वो लाश, इसे एक लड़की यहाँ पहनकर भाग गई। किधर है वो लड़की? इस मकान में गई। अच्छी बात है, तुम इस लाश को हिरासत में ले लो और पंचनामा तैयार करो। जी या नहीं? वो रही बाहर, तशरीफ ले आइए। वो कौन? मैं नहीं हूं। अरे अरे श्याम, तुमने पहचाने में कोई गलती तो नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़की है जो लाश को वहां फेंककर आई। लाश? खून? ये सब क्या है वर्षा? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, ये झूठ बोलता है, झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये झूठ है तो तुम्हारे कार के लगेज कैरियर में खून के धब्बे और ये एक लाश खेत के ले जाने का निशान, इसका क्या मतलब? मगर श्याम बाबू, आप तो हमें पूना से जानते हैं, क्या आप ये सोचती हैं कि लड़की खून कर सकती है? बस सच बात कह दो वरना तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा। परेशान? तुम मुझे परेशान करोगे? तुम्हारा बार बार इंकार और पुलिस की आंखों देखी हुई गवाही मुझे मजबूर कर रही कि तुम्हें परेशानी नहीं बल्कि इन्हें साथ ले आओ। जी श्याम को, श्याम बाबू बात नहीं मानू, मैं सच कह रही हूँ। श्याम बाबू सुनिए तो, आखिर ये सब मामला क्या है, कुछ मुझे भी तो बताइए। आप इनकी जमानत का बंदोबस्त कीजिए वरना मुझे इन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा। हिरासत? वर्षा तू सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती? दीदी बात ये है कि किसी ने मेरी गाड़ी में एक लाश रख दी और मैंने सूटा के बाहर फेंक दिया। मगर ये भी तो जुर्म है, तुम्हें पुलिस में तला कर देना चाहिए था। मैं क्या करती हूँ डर भी? आप किसी तरह इसे छुड़ा नहीं सकते श्याम बाबू, जब तक सही वाक्य का पता न चले मैं मजबूर हूं। आप कर, आप जमानत का बंदोबस्त कीजिए। उस तरफ वर्षा, पंचनामा हो गया साहब। अच्छी बात है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बहुत अच्छा।
लल्लू जी हाँ मालिक देखते थे तो कौन आया सर देखता हूँ मालिक नमस्ते ठाकुर साहब नमस्ते सर ये तो है आप मेरे साथ जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए पुलिस स्टेशन क्या बताऊं ठाकुर साहब वर्षा अभी अभी पुणे से घर लौटी इतने में थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई बाहर बुलाया मालूम हुआ किसने उसकी गाड़ी में लाश रख दी थी और उस पगली ने उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया लाश हाँ ठाकुर साहब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता मैं क्या करूँ कौन कैसी लाश किसकी लाश कौन है किसकी लाश है ये तो भगवान जाने मगर पुलिस वाले तो वर्षा को पकड़ कर ले गए हैं कहते हैं जमानत पर छोड़ेंगे अच्छी बात है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ घबराने की क्या बात है महेंद्र जी पुलिस वालों से काफी जान पहचान है वो अभी तुम्हारे साथ जाकर सब ठीक कर देगा महेंद्र जरा जल्दी आना बेटे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई क्या बात जून हमारी मुलाकात 7 महीने के बाद हुई है ना जान पहचान की बात छोड़ो जो सवाल पूछता हूँ सिर्फ उसी का जवाब दो जवाब कैसे दूं? ये सब तो मेरी तरफ घूर घूर के यूं देख रहे हैं जैसे मैंने सच में खून किया है अब जरा बाहर जाइए तुम लोग बाहर खड़े रहो अब मुझे अपने दिल की बात साफ साफ बता दो मेरा ये मतलब नहीं मैं कहना चाह मैं कह तो रही हूँ कि जब तुम पुणे में सब इंस्पेक्टर थी तब मैंने तुमसे एक बार कहा तो था कि मैं तुमसे मुझे दीदी नहीं मानती मुझे मुझे सब याद है याद है हाँ तुम पुणे से कब आई 1.5 महीना हुआ तुम तो आते वक्त मिलके भी नहीं आए थे मैं पूछ रहा हूँ कि आज रात को तुम पुणे से कब आई आज अभी अभी कितने बजे याद नहीं शीला मेरे साथ थी तुम उसको भी तो जानते हो उसी से पूछ लो ना ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ ना मैंने किसी को मारा मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ अगर तुम बेगुनाह हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि लाश तुम्हारी गाड़ी में कैसे निकली हाँ कैसे निकली यही तो मैं सोच रही हूँ और तुम हंस रहे हो अगर मुझे लाश रखने वाला मिल जाता तो मैं उसको गर्दन से पकड़ के यहाँ ना ले आती अगर तुम ऐसा करने वाली होती तो लाश देकर पुलिस को इत्तला कर देती कहा ना मैं डर गई थी अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ के इंस्पेक्टर हो तो मैं तुम्हें से ना पूछ लेती लाश कहाँ छुपाऊं लाश का क्या करूं तुम मुझसे बहाने तो नहीं कर रही ना तुम तो जानते मैं कभी झूठ नहीं बोलती अब मैं तुम्हारे पहले इनकार को सच मानूं या बात के इकरार को सच मानूं जो तुम ठीक समझो पर मेरा इस जुर्म से कोई वास्ता नहीं है साहब ठाकुर महेंद्र सिंह जी इनकी जमानत के लिए आए आ गए दीदी भी आई है दूर आई होंगी हाँ मेरे साथ आई आई चलिए पिताजी जमानत हो गई नहीं लेकिन अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगी मामला क्या था किसकी लाश थी किसने रखी ये तो कुछ पता नहीं चला लेकिन वर्षा निर्दोष है लेकिन इंस्पेक्टर का क्या ख्याल इंस्पेक्टर समझदार मालूम होता है मेरे ख्याल में उसका हाथ किसी गलत गरेबान तक नहीं जाएगा कोई ऐसा न हो
मुझको पसंद है दिल की जलन आंखों में ना आ जाए ऐसा ना हो तेरे रोने से महफिल में तमाशा हो जाए दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा गीतों में जमाना हो जाए दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम समझ रहे हो मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं? नहीं, ये लो पोछ लो आंसू। इस खुशी के मौके पर तुम्हें इतना दर्द भरा गीत नहीं गाना चाहिए था। और मुझे कोई गीत याद नहीं था। तुम ये क्यों नहीं कहती कि ये गीत तुम्हारे दिल की धड़कने थी? तुमने अपनी आंखों में मरती आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ ना। तो भी क्यों, तुम तो पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम्हारे पास तो पत्थर का दिल है। कानून ने तुमसे प्यार मोहब्बत सब कुछ छीन लिया। वर्षा, तुमने और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है, तुम्हें अपने दिल पर काबू नहीं। जो मन में आता कह जाती हो। मैं कहता नहीं हूं मगर तो... चलो मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो बेटा, एक अजीब सा केस हाथ में आ गया मैं, उसी के बारे में सोच रहा था। अरे ये केस तो रोज ही आते रहते हैं। चलो खाना खा लो। अभी एक जरूरी काम है, बाद में खा लूंगा। वर्षा, वर्षा सुनो, वहां से क्या झांक रही है? बाहर आओ ना। देख रही हूँ, मुझे फिर से गिरफ्तार करने के लिए सब पे पुलिस चुस्त नहीं लिया है। पहले बाहर आओ फिर बताता हूं। देखो इस वक्त मैं इंस्पेक्टर शाम नहीं बल्कि सिर्फ शाम की हैसियत से आया हूं। झूठ, फिर ये यूनिफॉर्म क्यों? बचपना छोड़ो, उधर बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। सुनो क्या? तुम तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं करते। तुम्हारे मिजाज के बारे में मैं बहुत देर तक सोचता रहा। कॉलेज के जमाने में तुम जरा सी बात पर मरने मारने पर तुलाती। याद है एक बार हम लोग पिकनिक पर गए थे, वहां तुमने एक लड़के को पहाड़ी के ऊपर से, उसने मेरी इज्जत उगाली की थी, वहां मेरी गैरत का सवाल था। उसी तरह अगर ये वाकया भी तुमसे अपनी इज्जत बचाने के सिलसिले में हो गया हो तो? ऐसा हो तो मैं साफ साफ कह देती, इसको छुपाने की कौन सी बात है। वर्षा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे राजकुमार कहते हैं। ठाकुर महेंद्र सिंह के बेटे, आप हैं इंस्पेक्टर शाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हेलो वर्षा। हेलो। गालिबन ये केस आप ही के हाथ में है? जी हाँ। ये कातिल का कुछ पता चला या अभी तक इसी चक्कर में है? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। जी हाँ, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन आप इस मासूम लड़की को तो खामखा परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा हूँ? जी हाँ, मेरा मतलब है मुजरिम बहुत चालाक मालूम होता है। जी चालाक हो या भोला, खून हजम करना तो जमीन के लिए भी नामुमकिन है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, एक न एक दिन मुजरिम की आस्तीन कानून के हाथ आकर ही रहेगी। अच्छा वर्षा। अरे आप अभी अभी तो आए हैं। वर्षा शायद उन्हें ड्यूटी पे जाना हो। जी हाँ,
अच्छा अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं चाय का बंदोबस्त करके अभी आती हूँ। मैंने सोचा कि इस वाक्य से आप लोग बहुत परेशान हों, मैं और किसी काम नहीं आ सकता तो तसल्ली ही दे। जी, आप लोगों का एहसान तो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हाँ जी, इसमें एहसान की क्या बात, और फिर आप जैसी अच्छी लड़की के लिए तो मेरी जान भी काम आए तो हाजिर। जी, आजकल तो अपनी जान बचाना मुश्किल है, आपकी जान लेकर कहाँ संभालती फिर। बहुत दिलचस्प हैं आप। कभी 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 अगर तबीयत ज्यादा घबराए तो हमारे यहाँ तशरीफ ले आया करिए। जी, यूँ तो मुझे घबराहट की बीमारी नहीं है, अगर कभी ऐसा हुआ तो दीदी के साथ आ जाऊंगी। जी जी हाँ जी हाँ, जरूर उन्हें बुलाइए। बनारसी लाल पान वाला पवन पुल, इस बोरे का मुंह इसी रुमाल से बांधा गया था। जी, बाकी के वारिसों से पता चला है कि उसको वेश्याओं के यहाँ जाने की आदत थी, गालिबन कत्ल भी इस इलाके में हुआ। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। डॉक्टर रिपोर्ट दीजिए। मौत किसी ऊंची जगह से गिरने का सबब वाकई हुई है। बनारसी लाल आया? जी हाँ, बुलाया था उसे। अब्दुल, बनारसी लाल पान वाले को भेजो। बहुत अच्छा, बनारसी लाल पान वाला। पायला के इंस्पेक्टर साहब। तुम बनारसी पान वाला? जी सरकार। ये बोरा तुम्हारा है? वो है तो हमारी ही सरकार, पर यहाँ कैसे आ गया? अब तक कितने खून किए हैं? खून? राम राम राम, का कहा तो सरकार, रात भर खटिया में खटमल काटत है, पर पाप के डर के मारे एक तो नहीं मारी तो खून का कर। कितनी बार जेल काट चुके हो? जेल गसावत है सरकार, कैसन कैसन बतिया पूछो तो। जवाना तो बंद कर दो। नहीं, का गजब करत हो सरकार, अभो अभो तो हमार गौना भवा है, हमार महाराज रही रही जान दे दी है। ये रुमाल इसका नहीं है। गालिबन ये रुमाल उसी का है जिसने ये खून किया है। क्या मेरी भी यही राय? और मेरा ख्याल है इसी रुमाल के जरिए हमें कातिल का पता लगाना चाहिए। आप मेरे लिए आज रात को एक टैक्सी का बंदोबस्त कर दीजिए। बहुत अच्छा। ले लो जी साजन का प्यार। भैया खास बनारसी पान के लाओ। अरे थोड़ दम खा लो, इसी बड़े सुरीले हो राजा। कौन गांव है तुम्हारा बताए? हाँ, मोर देश की भोर सुहानी, छब छबीली कजरे नैन सुनरिया धानी, बुझाता जानी। बनारस की भोर सुहानी, अरे तभी तो सूरत है जानी पहचानी। गंगा जी का शीतल पानी, सुंदर बोल और मीठी बानी, अरे वही तो है देश हमार। जाना तो भैया, इसीलिए तो आया तुम्हारे द्वार। भैया अब तो बता दो कुछ चटियन के नाम, जो इन गजरों के दे दे चोखे दाम। एक हो तो बताओ राजा, यहाँ तो रोकल मैं तिवारी चंदू और वो डबो वो आ गए तमके राजा मन के छैले। आज चलते गिर पड़े चलना। भैया क्या नाम है इनका? लिखा लिखा तो राजकुमार का था। बदरे वाले आया भाई जी। ए भैया बताते जाओ अपना नाम। दुनिया कहती है मुझको बिन मुरली का श्याम। तो भैया राम 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 राम। तू जानता है इसको? हाँ हाँ, हमरे गांव का है। मेरे गांव का?
लगा था काला कांडी। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। ओ मैं तो लाया, ओ मैं तो लाया चमन से बाहर रे, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। लाया हूँ बगिया से चुन चुन के कलियां, लाया हूँ बगिया से चुन चुन के कलियां, छोड़ के आया बनारस की गलियां, बनारस की गलियां। मन का मौजी है ये फूल वाला, मन का मौजी है ये फूल वाला, आता नहीं बार बार रे, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। तन के उजले मन के काले, सबको धोखा देने वाले, तन के उजले मन के काले, सबको धोखा देने वाले। फूलों से ये रूप सजा ले, नैन बान के तीर चला ले, लौट के घर को जाना सके जो, लौट के घर को जाना सके जो, देखे तुझे एक बार रे, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के गजबे हमारे हैं, ले जो फूलों के गजबे हमारे, काटेंगे चक्कर उसी घर के सारे जी, उसी घर के सारे। सोने और चांदी की बरसात होगी, सोने और चांदी की बरसात होगी, दौलत मिले बेशुमार रे, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। ओ मैं तो लाया, ओ मैं तो लाया चमन से बाहर रे, ले लो जी साजन का प्यार। फूलों के हार ले लो, रूप का श्रृंगार ले लो जी साजन का प्यार। फूल वाले जी सरकार, ये रुमाल कहाँ से मिला? सड़क पर नलगवा उठाए लेन तो है हो तो ले लो। नहीं, जाओ। सरकार काहे बोलो कड़वा बोल, फिर मिलेंगे दुनिया को। बात बंद कर, भाग जा। अच्छा सरकार, मन का मौजी है ये फूल वाला, मन का मौजी है ये सभी तो सीधा चल। चल सारा चल। ए इधर नहीं, इधर मत। देखते। राजू भैया उधर नहीं चलेंगे आज, नहीं कल है, हम तो जाएंगे। तो जाओ मरो, एक दस का पत्ता दिला कर ले। माफ करो भाई, माफ करो, आदमी बहुत तगड़ा है।
सर्कस साहब नेपंसी रोड। अरे बाबरे साहब नेपंसी रोड वहाँ तो जोखा में खतरा है सर। खतरा किस बात का सर? हम टैक्सी वाला लोग रोज वहाँ लूट जाता है। लूटना लुटाने का ही नाम जिंदगी है ड्राइवर। तो ठीक है साहब, मगर हम लोग बाल बच्चे वाला आदमी जरा डर लगता है, खासकर आज अच्छा दिन एक्सीडेंट और खून का ही बात सुना है। खून? हाँ साहब, जहाँ से आप बैठा ना वहाँ हम दो सेठ को उतारा था, वो लोग तो खून का बात करता था। अरे वो तो इलाका ही ऐसा, वहाँ नजरों से खून होते हैं और अदाओं से मारे जाते हैं। ठीक था साहब, खास करके बिजली बाई के कोठे में। बिजली बाई के कोठे में? हाँ साहब, वहाँ एक बराबर वाले सेठ ने एक दूसरा बराबर वाले सेठ को मारा मारी में एकदम मार दिया साहब। वो बड़ा सेठ था। कोई कौन सा सेठ? उस सेठ का नाम साहब कुछ झांके या डाके या बाके, बाके साहब। आप जानते हैं सेठ? नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपने भी सुना ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या कह रहे थे वो? और कह रहे थे साहब एक कोई सेठ है, वो उसका नाम भूल गया साहब, याद नहीं आता। वो आपने तो सुना होगा सर? नहीं नहीं नहीं। हाँ। चलो जाने चलो। अच्छा साहब, हम तो सुना तो इसलिए बोलता था आपको। और चल चल। बात करो। अरे वाह, तुझे हंसाने के लिए कॉमेडी पिक्चर दिखाई, सारा हॉल हंस रहा था, मगर तू ठीक ही चुपके चुप बैठे। मगर पिक्चर देखी किसने? क्यों? बस लाख भुलाने की कोशिश की, मगर बार बार याद आ रहा था, जिंदगी हंसने खेलने का नाम नहीं बल्कि सोचने और समझने का नाम। ओ, तो आपको श्याम बाबू की याद पड़ पा रही थी है ना? अरे श्याम बाबू की याद नहीं, उसका भाषण पढ़ पा रहा था। क्या है? कुछ नहीं। इतना गुस्सा आता है जब देखो, तुमने खून किया हो तो बता दो, तुमने ये किया हो तो बता दो, तुमने वो किया। तुम गाड़ी चलाओ ना। कहाँ जाना आपको मन पर? कहाँ तो बोले सीधे। अरे इसी बहाने से फिर मुलाकात तो हो गई। अच्छा। कोई बात नहीं, हवा इधर की है, हवा इधर की, इधर निकल जाएगी। मगर इस मुलाकात का फायदा क्या? इंस्पेक्टर बनने के बाद उसके और भी उल्टी खोपड़ी हो गई है। मैं जो बात कहती हूँ समझ ही नहीं, तू नहीं उसका दिमाग बिगाड़ा है, जरा अकड़ के तो देख। अरे कुछ फायदा नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे तो बस कानून कानून। अगर मैं तेरी जगह होती तो वो अदाएं दिखाती, वो अदाएं दिखाती, तो बेवकूफ़ की तरह मेरे चारों तरफ से पता है। अब क्या है? बाया तरफ तीसरा बंगला। अच्छा फिर कब आ रही हो? सुबह। अच्छा चलो मत मानना मेन साहब, मोड़ पर हवा का झोंका इधर को आ गया तो हम सुना, बस इतना सुना कि आपका और मिस्टर से शाम का कुछ झगड़ा है। इससे क्या? कुछ नहीं, हमारा भी एक लाइसेंस का केस फंस गया है तो हम उसके पास गया, वो भी सर फिरा ला। ठीक था, ठीक था। चलो मैम साहब, 3 रुपए दो आने मगर जान दीजिए। अरे बहुत रईस हो क्या? कमाई अच्छी नहीं लगती, ये लो खराब कर देना। इतनी रात तक आपके लिए बाहर आना अच्छा नहीं मैम साहब। बदतमीज, तुम्हें से क्या? मैम साहब टैक्सी ड्राइवर हूँ, दुनिया देखी है, जिंदगी सिर्फ हंसने और खेलने का नाम ही नहीं बल्कि सोचने और समझने का नाम है।
तरह मेरा पीछा कर रहे हो? सुनो, तुम्हें वाकई यकीन है कि मैंने ही खून किया है? यकीन नहीं है वर्षा, इसलिए भेष बदल कर असली मुजरिम की तलाश में। तो तू जल्दी पता लगाओ ना, तो सच कहती हूँ मैं बड़ी परेशान हूँ, इसलिए इतनी रात तक सिनेमा जाती हूँ। क्या करो, अकेले मन भी सुनने लगता। वर्षा, तुम इतनी रात तक बाहर मत रहा करो। जहाँ मेरा अकेले जिया कैसे ना।
मेरे पिया मेरे दिल की मंदिर है जहाँ मेरे दिल की मंदिर है जहाँ फरमाइए कुछ पता चला? ये इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकता मगर जिसका रुमाल है उसका पता चल गया। तो आपका ख्याल ठीक ही निकला, मुजरिम कोई बिगड़े रही होंगे। जी हाँ, पवनपुर की बिजली बाई के परवाने हैं। आप कल बिजली बाई को बुला लीजिए। बहुत अच्छा। तो बांकेलाल और राजकुमार बरसों से तुम्हारे कोठे पर आते हैं? कोठे पर? जी हजूर, वो मेरे मकान पर तशरीफ लाते थे। उन दोनों के आपस में कोई दुश्मनी थी? नहीं तो सरकार, और फिर मैं अपने ग्राहकों के मुताबिक सिर्फ इतना पता लगा लेती हूँ कि उनकी जेबों में कितना माल रहता है, उनके दिलों में दोस्ती है या दुश्मनी, इस पर तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 6 जून की रात को उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था जी? नहीं तो ओ, हाँ, दौलत के नशे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गर्मा गर्मी जरूर दिखाते थे। और बस सरकार, और उस गर्मा गर्मी में दोनों की मारपीट हुई जिसमें बांकेलाल मारा गया जी। सच है कि नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। सब मालूम है, तुम सब जानती हो, उस कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है। सरकार, मेरा हाथ तो सिर्फ गाहकों की जेबों तक रहता है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे घर के सामने सीढ़ियों पर कत्ल हुआ और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? सरकार, मेरे घर से बाहर कदम निकालने के बाद कोई मरे या मारे मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रहता। तुम्हारा वास्ता है या नहीं जल्द मालूम हो जाएगा। अगर अपना भला चाहती हो तो सच सच बता दो। सरकार, सच तो कह रही हूँ, उस रोज वो मौजी के साथ बाहर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं। बिटिया बिल्कुल सच कह रही है सरकार। जुर्म करने के बाद आज तक किसी ने सच कहा है? तुम लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। क्या ख्याल है आपका? मामला तो बहुत उलझा हुआ है, मगर सुलझाना तो हमें ही पड़ेगा। लड़की तो एक एक मिनट पर रंग बदल रही थी। बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। बिजली भाई, हम तुम्हारा नाम पठानकोट में सुना, नहीं हम पान नहीं खाता। हम तुम्हारा बहुत बहुत तारीफ सुना, वो तो तुम बिजली की तरह नाचता, कोयल की तरह गाता और मोर की तरह चलता, कबूतर की तरह उड़ता भी है। बिजली भाई, ये नया मुर्गा कहाँ से आया है? मुर्गी का बच्चा हम पठान है यार। पठान होश में रहो वरना लाश का पता नहीं चलेगा। होश बिजली भाई के सामने हमारा होश का होश बन गया। हम बिजली भाई को मोहब्बत करता। मोहब्बत मत करो, मोहब्बत मत करो, बहुत बुरी बात है। मजनू ने मोहब्बत की पत्थर खाए। हम जानता है। फरहाद ने मोहब्बत की पार से वो भी जानता। और बांकेलाल ने मोहब्बत की तो एक ही घोपे में कसुम्बर निकल गया। कसुम्बर में वो अपने घर चला गया और हम अपने घर चले गए। ऊपर छत है, जाएगा? छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। बिजली भाई, तुम छेड़ो सुरों का रगड़ा, अरे न होश रहे न जगा। ए उस्ताद जी, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। किसके अदाओं ने मारा, न पूछो के किसके अदाओं ने मारा, ये देखो के मेरा किधर है इशारा, न पूछो के किसके अदाओं ने मारा, ये देखो के मेरा किधर है इशारा, न पूछो के किसके अदाओं ने मारा, न पूछो। किसने छुप के किया मुझ पे वार क्या कहिए,
ऐसा है जालिम हमारा तुम्हारा, ये कैसा है जालिम हमारा तुम्हारा, ये देखो के मेरा किधर है इशारा, न पूछो के किसकी अदाओं ने मारा, न पूछो हजारों तीर मोहब्बत के खाए बैठे हैं, तड़प रहे हैं कलेजा दबाए बैठे हैं, खालने रहो खान वरना लाश का भी पता नहीं चलेगा। ए मरद का बच्चा तो सामने आ। आपको मेरी कसम। क्या है मिर्जा चलो कहाँ जल्दी चलो बताऊंगा। तरसो मरद का बच्चा बनता है। जाने जाने दो वो अपनी माँ का बच्चा मरद का नहीं। अब आप गुस्सा थूक दीजिए। हाथ से नहीं उगाल धान मिला लगा। आखिर बताओ तो बात क्या है। जानता हूं पठान कौन है। होगा कोई अकल के अंधे। वो इंस्पेक्टर श्याम है। क्या इंस्पेक्टर श्याम? हाँ क्यों बार बार मौत के मुंह में आता है। अब के से तू यहाँ आया तो मैं खुद तुझे पकड़ा दूंगा। चल बैठ। लूट करना चाहिए खान साहब। कुछ हम तुम्हारा घर मौज शौक के लिए आता। यहाँ तो खतरा है या मौत का बात होता। क्या नहीं, नहीं खान साहब राजकुमार का दिल बहुत अच्छा। ए यूँ तो उसको नोक झोंक की आदत है। नहीं तो आदमी बादशाह है। तुम उसका दोस्त? हम उसका दोस्त मगर लड़ाई झगड़े में कैसा दोस्त लाला। हम तो मौजी है। क्यों राजू राजू चला गया। मैं भी जाता हूँ। तुम किधर जाता तुम अच्छा आदमी। तुम किधर रहता है? हम वर्ली का पहाड़ का ऊपर अपना मकान है। किसी से पूछ लो मौजी किधर रहता है कोई भी बताएगा। कुत्ता भी बताएगा। हम तुम्हारे घर आएगा। घर काय को आएगा? हम आधे मूर खाएगा पिलाओ खाएगा। खिलाएगा खिलाएगा वो खिलाएगा तो खिलाएगा। बिजली भाई हो तो तुम इतना अच्छा है इतना झगड़ा वाला आदमी को क्यों आना देता। तुम्हारा बदनाम होता। हम सुना तुम्हारा कोठा में खून हुआ। हाय भैया ऐसी तो कोई बात नहीं खान साहब। किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी ये अफवाह। आप बैठिए ना। अभी हम जाता हमको देर होता। अच्छा फिर आइएगा। आपको मेरी कसम। तुम हमको कसम देता तो हम खाना खा के आता। आदाब आदाब। ये लो रहने दो बाबा। और चाहिए? नहीं जरूरत होगी तो फिर मांग लूंगा। एक बात समझ में नहीं आती तुम हर वक्त मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जताते हो। यहां तक कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। ये तुम्हारा समझ में नहीं आएगी बाबू। क्यों बाबू? मेरे भी एक लड़का था बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जब मैं तुम्हें देखता हूं मुझे उसकी याद आ जाती है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं बिछड़ गया।
बाबू एक बात का वादा करो। क्या? तुम उस गले में फिर कभी नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अच्छा, रात हो गई। छोटी मालिक लाइन क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। भीतर चलिए। कहाँ गए थे? जी जरा तबीयत घबरा रही थी, टहलने चला गया। बहाने तराशने की कोशिश न करो। ये न समझो कि हमारी नींद जवानी की नींद की तरह इतनी बेहोश है कि सोने के बाद जो कुछ हो उसकी खबर भी नहीं होती। आपसे लल्लू ने कुछ कहा है? हमें अगर जिंदगी में किसी ने कुछ कहा या हमने किसी की बात सुनी तो वो सिर्फ तुम्हारी दादी माँ। हम तुम्हें बहुत पहले ही रोक लेते लेकिन वो हमेशा कहकर टोक देती, बच्चा है आज नहीं तो कल सीधे रास्ते पर आ जाएगा। मगर न तुम समझो और न हमें समझाने दिया। मैं बहुत शर्मिंदा। तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम हमारी बातों से बेजार होकर जा रहे हो। तुम्हारी यह आवारा गद्दी फजूल खर्ची रातों में देर तक को आना हो। क्यों बच्चे पर लाल पीले हो रहे हो? जाओ बेटा आराम। माँ, हर से ज्यादा प्यार औलाद के हक में हमेशा दुश्मन साबित होता है। राजू का रातों को गायब रहना, देर से लौटना। तो कौन सा किसी का फोन करके लौटता है? जाता होगा अपने दोस्तों के यहाँ। रातों के दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं माँ, उसे रोक लो, उसे भटकने से पहले रोक लो माँ। मगर कोई तरीका भी तो हो उसे रोकने और समझाने का। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि जवान बच्चे को डांट डपट करने लगे। प्यार और इशारों से तो कई बार समझा चुका हूँ। तो उसकी शादी कर दो ना, बेड़ियाँ पड़ जाएंगी, ठीक हो जाएगा। कोई भी सूरत निकालिए मगर उसे रोके तुम, वरना सब कुछ खोकर जो कुछ पाया है डर है कहीं वो भी न लुट जाए। ऐसे अशुभ बोल मुझसे न निकालो। तुम कल पुलिस स्टेशन जाकर वर्षा के बारे में पूछो तो सही कि उस बिचारी का क्या हुआ। जमानत कर दी और खबर तक न ली। मैं कल ही जाऊंगा माँ। बस अच्छी से खबर ला दो, फिर मैं कल ही जाकर बात पक्की कराती हूँ। इंस्पेक्टर साहब है, उनसे कहिए ठाकुर महेंद्र सिंह मिलना चाहते हैं। आया, ठाकुर साहब को अंदर बिठाओ। अच्छा शाह, ठाकुर महेंद्र सिंह से मिलने आए हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे तकलीफ फरमाई आपने? मैं उस लड़की के बारे में पूछने आया था। कहिए आप किसी नतीजे पर पहुंचे? जी अभी तक तो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका। खराब राजकुमार कैसे हैं? जी आप उसे जानते हैं? जी हाँ, एक आध बार मुलाकात हुई है। बड़े दिलचस्प हैं, बहुत होशियार और जी लाडो प्यार में पला है। बल्कि यूं कहिए वो तो मेरी जिंदगी का सरमाया है। सरमाए की अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो लुट जाने का डर है ठाकुर साहब। जी मेरा मतलब है हमारे देश में अक्सर माँ बाप औलाद पा लेते हैं मगर उन्हें जीने का ठीक तरीका नहीं सिखाते। आप ठीक कहते हैं। ये सब जानते हुए भी जो माँ बाप ऐसा नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता ठाकुर साहब। अच्छा अभी जा। शाम घर आए मेहमान को नसीहत करने बैठ गई, इतना बुरा लगा होगा उनके मन को। हाँ ऐसी बातें मुझे उनसे कहनी तो नहीं चाहिए थी मगर न जाने क्यों कह गया। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बद्री गाड़ी वाला। सलाम लड़का। लाजान बद्री प्रसाद। हाँ सरकार। 15 वर्ष से गाड़ी चला रहे हो? हाँ सरकार। किसी खास मोहल्ले में? नहीं तो सरकार, सारे शहर में चलाता हूँ।
इन तस्वीरों में किस किस को पहचानते हो? किसी को तो जानते ही होगे, कोई ना कोई तुम्हारी गाड़ी में जरूर बैठा होगा। सरकार, इसमें तो किसी को नहीं पहचानता। ठीक से देखो, बांकेलाल को जरूर पहचानते होगे। बांकेलाल? नहीं सरकार। झूठ बोल रहे हो तुम। सरकार, मेरी जान चली जाएगी मगर झूठ कभी नहीं बोलूंगा। 6 जून की रात को तुम्हारी गाड़ी बनारसी पान वाले के दुकान के पास खड़ी थी। सरकार, तारीख वारीख तो याद नहीं, लेकिन वहां तो मेरा अड्डा है, मैं अक्सर वहां होता हूँ। सरकार, उस अड्डे में उस रात कोई खास बात हुई थी? सरकार, वहां तो उस मोहल्ले में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बाजार उठ जाने के बाद भी तुम वहां इंतजार कर रहे थे? हाँ सरकार, हो सकता है मैं सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। कैसी सवारी? किस किस्म की सवारी? कोई खास सवारी? सरकार, मेरे को समझ में नहीं आया। तुम क्या समझते हो? राजकुमार से आज तक कितने रुपए ले चुके हो? कौन सा राजकुमार? सरकार, मेरी गाड़ी में तो जो बैठता है मैं सभी को राजकुमार समझता हूँ। किसी खास राजकुमार को नहीं जानते? मैं समझा नहीं सरकार। बहुत जल्दी समझ जाओगे, जाओ। सलाम सरकार। इस पर निगरानी रखी जाए। बहुत नमस्ते। आइए तशरीफ लाइए। वो आए घर पे हमारे, यानी कि इनके खुदा की कुदरत है। तुमने तो शायरी शुरू कर दी। अजी मैं शायरी शुरू कर दूं तो जैसा गाली शुरू कर दूंगे। बस बस रहने दे, तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। वर्षा, बात यह है कि आज सुबह यानी कि अभी अभी हम दोनों ने फैसला किया है कि रात को देर तक बाहर रहना बिल्कुल बंद। बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ी खुशी की बात। तो फिर इसी खुशी में मुझ पे लगा हुआ इल्जाम आप माफ कर दें। अरे तुम हंस रहे हो? अच्छी बात है, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि तुम लोगों को हमारा लिखा हुआ ये समाज सुधार ड्रामा खेलना होगा। ड्रामा? ओ ड्रामा। तुम शीला क्या ख्याल है? काम तो बहुत मुश्किल है। तुम लोगों के लिए क्या मुश्किल है? कॉलेज के दिनों में तुम लोग अक्सर ड्रामा किया करते। ठीक है, लेकिन जिंदगी सोचने और समझने का नाम है, हंसने और खेलने का नाम नहीं है। बात ये है कि आज का हमारा दूसरा फैसला ये है कि बात करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लिया करें। क्यों ऐसा? ठीक है, अच्छी बात है, सोच समझ कर फैसला करो। सोच लिया? क्या सोचा? यही कि हम ड्रामा खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। ऐसा करना, राजकुमार और मौजी को खास तौर पर बुला लो। उनको तो इशारे की जरूरत है, यूं सर के बल चल के आएंगे। उनको खास तौर पे क्यों? वो तो मैं यूं ही रो में कह गया, कोई खास बात नहीं, लेकिन उन्हें बुला जरूर लेना। ये मैं ड्रामा रख जाता हूँ। अच्छा नमस्ते। नीचे लक्की रेस्टोरेंट में दो ठंडा बोल दिया। या बचाना, मेरे पीछे पड़ा है जमाना।
बड़ा मुश्किल है दामन बचाना, मेरे पीछे पड़ा है जमाना, भला क्या क्या करूं मैं बहाना, मेरे पीछे पड़ा है जमाना, ओए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना, मेरे पीछे पड़ा है जमाना, ओए बड़ा मुश्किल है। तो अपना ही नक्शा मालूम होता है। चुप है। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। राजू क्या ठंडा पियो? ठंडा नहीं चाहिए। चलो फूटो, नहीं चाहिए। चलो राजू भैया, पर ये वर्षा को सब कैसे मालूम हो गया है? वही घोसा, वही सीढ़ियों से गिर। यही मैं सोच रहा हूँ, जरूर इसमें कोई साजिश। चलो हाँ चलो, जहाँ साजिशों में नहीं रहना चाहिए।
राजू भैया, यू मस्ट मैरी हर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. क्या बकता है? अरे बकता नहीं बोलता, बात तो सुनो. राजू भैया, अगर तुम मेरी राय से भटके तो समझ लो फांसी के तख्ते पर लटके. क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है. इंस्पेक्टर श्याम वर्षा से प्यार करता है, और जब उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सजनी का स्वाद फांसी के तख्ते पर. कैसी कही? मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? दादी माँ और... दादी माँ का जिम्मा मेरा है, तुम वही खड़े रहो, कान आगे करो, बात सुनो. बात तो तूने अकल की थी. अरे जब कोठे पर नहीं होता बात अकल की करता हूँ, समझे? मिमसा बकवास बंद कर, चलेगा. मैं समझाऊ सर. राजू भैया, ये तो अपना ही नक्शा मालूम होता है. चुप. हाँ, दीवारों के विकान होते हैं. राजू भैया, ये तो अपना ही नक्शा मालूम होता है. चुप. हाँ, दीवारों के विकान होते हैं. श्याम साहब आइए. खन्ना साहब फरमाइए, कुछ पता चला? जी नहीं, राजकुमार फिर बच निकला. मतलब? मतलब है कि मशीन में कुछ खराबी आ गई. आपको यकीन है कि महेंद्र सिंह के लड़के ने ही ये कत्ल किया है राजकुमार ने? जी हाँ. कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब के नशे में मौजी ने ये सब? जी नहीं, कातिल महेंद्र सिंह का बेटा राजकुमार ही है. आप ऐसा कीजिए, मौजी को पुलिस स्टेशन में भिजवा लीजिए. बहुत अच्छा. मंगल वृषभ सूर्य माता जी, सच बात बोलू तो मन को बुरा मत लगाना. ज्योतिष विद्या को विद्या मानो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं. आपकी हस्तक्रेखा बताती है कि बच्चे की माँ के देहांत के बाद आपके मन को बड़ा कष्ट हुआ. सच बात हो तो कह दो सच, झूठ हो तो झूठ. सच महाराज सच. अरे राजू, ये महाराज तो बड़े ज्ञानी है, अपना भी हाथ बताओ बेटा. ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं, अंतर्यामी. कुमार साहब, आपकी हस्तरेखा प्रदान करो. दक्षिणा का प्रबंध हो जाए तो अच्छा है. दो कानी, दस का पत्ता. हाँ, दस का. कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो. ये हाथ है कि आजाद मैदान, आपके हस्तक रेखा में मस्तक रेखा का प्रवेश. सब गड़बड़ है, घोटाला है, चक्कर है. क्या चक्कर है महाराज? चक्कर? कल शाम तक शनि के पूर्ण चक्कर में प्रवेश होने से पहले अगर इनका ब्याह नहीं हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा. कल शाम तक? हाँ बाबू, कल शाम तक अपने शादी का बैंड बाजा बजवा लो, नहीं तो माता जी इनका बैंड बाजा बज जाएगा. ऐसा न कहिए महाराज, यही तो इस घर का चिराग है, यही तो हमारा सब कुछ है. बस तो यही इसके जीवन रक्षा का उपाय है. माता जी, ब्राह्मण का ज्योतिष कभी झूठा नहीं पड़ सकता. दक्षिणा का प्रबंध हो जाएगा. हाँ हाँ, जरूर जरूर बेटा, 10 रुपए दे दो. लो. माता जी ने 10 रुपए कहे थे. यही है, लेना है तो. हाँ चलेंगे चलेंगे. कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो माता जी, कल्याण हो, कल्याण. दादी माँ, कल शाम तक ये सब कैसे होगा? तू क्यों फिक्र करता है, मैं अभी जाकर सब बंदोबस्त करती हूँ. अरे जालम टुनटुन, कहाँ चली? हम बाजार लेने गया था, उधर हड़ताल है, भाजी पाला कुछ नहीं मिला. अरे छोड़ भाजी पाले को, आज घर में कोई भी नहीं है. तुम छोटे सरकार की शादी की बात पट्टी करने गए, तो हम भी दोनों शादी की बात पट्टी कर लेंगे. चलो. क्या बोला तुम? मेरा शादी मेरा माता पिताजी का मर्जी से होगा, हम तेरा से क्यों करना? तेरा पेट देखा दो मन को सब.
घर में कोई है? घर में कोई नहीं है, सब छोटे सरदार की शादी की बात पक्की करने गए, समझे? सुनो, छोटे से सर कब आएंगे? घर वाले तो शाम को लौट आएंगे, मगर छोटे सरकार ले रही है लाला है बाबा, भगवान जाने कब लौटेंगे। जाओ वो गाड़ी वाले। बस बस रोको। एक रुपया। कौन? गंगा? गंगा? लेकर भागती और नया दिन देखना पड़ता। इसका कारण तुम हो। याद है उस दिन तुमने मेरे बच्चे को दौलत के लालच में मुझसे छीन लिया। मैंने उसी दिन कहा था कि अगर दौलत सुख पहुंचा सकती है तो वो बर्बाद भी कर सकती है। बंद कर। अब भी मेरा कहना मान ले, उसे जहर दे, अपने बच्चे की जान बचा ले, तेरा भी कुछ फर्ज है। चला जाऊंगा, अगर तूने उसे जहर नहीं दिया तो शाम को मौत के घाट में उतारूंगा। तो बात पक्की है ना बेटे? मुझे तो कोई इनकार नहीं, मगर आप ही सोचिए, शादी की तैयारी में कुछ समय तो लगेगा ही, और फिर एकलौती बहन है, बड़े अरमानों से पाला है। अरमान पूरे करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है बेटी। एक बहुत बड़े जोशी ने कहा है, अगर कल शाम तक बच्चे के सर पर सेहरा न बंधा तो बहुत बड़ी अड़चन आ जाएंगी। जोशी महाराज ने कहा था? हाँ बेटी, एक बहुत बड़े जोशी, इसीलिए तो मैं जोर दे रही हूँ, वरना मेरा भी तो एकलौता बच्चा है, मेरे दिल में भी तो बहुत से अरमान है। अच्छी बात है, अगर ऐसा ही है तो फिर कल शाम तक बारात आ जाएंगे। बिटिया को बुला। वर्षा, तुम अब तक सोए नहीं माँ? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम तो आजकल घर में पल भर भी नहीं रहते हो। मैं 6 बजे आया तो था, तुम ही नहीं थी। हाँ, मैं जरा ठाकुर महेंद्र सिंह के यहाँ चले गई थी। ठाकुर महेंद्र सिंह? क्यों? वो उनके लड़के ने क्या किया? उनके लड़के ने श्याम, उस दिन तुम सब इंस्पेक्टर से जो बातें कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। माँ तुम्हें ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए, पुलिस क्या करती है क्या करना चाहती है ये सब जानने की कोशिश। मैंने किसी को कुछ बताया तो नहीं, मैं तो यूँ ही उनके यहाँ चली गई थी, और वो लोग राजकुमार की शादी तय करने के लिए बाहर गए हुए थे। राजकुमार की शादी? वर्षा से। तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। ये तो तुम जानती हो वो लोग कितने भले हैं, कितना बड़ा घराना है, और फिर उनके एहसान भी। तो एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम मेरी खुशियों को भेंट रहा दो, ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी बड़ी बहन से इस तरह बातें करना, ये कहाँ की शराफत है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है दीदी, चुप रहूं तो कैसे? खामोश। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया है। मेरा भला तो इसमें था कि ऐसा करने से पहले मेरा गला खोल दिया होता, मुझे जान दे दिया होता। वर्षा, मुझे माफ कर दे वर्षा, मैंने आज तुझे मारा। दे दे, मेरी तरफ देख, मेरे प्यार को देख, मैंने जिंदगी की तमाम खुशियां तेरे लिए कुर्बान कर दी। माँ की तरह तुझे लाड़ प्यार
जो कुछ था दिया, मगर आज मेरी दी हुई जबान की लाश तेरे हाथ है वर्षा। आंसू पोंछ लग दीदी, मैं हंस के ये जहर पी लूंगी, मगर यकीन रखो मैं जान दे दूंगी, मगर तुम्हारी बात की लाज पे आंच नहीं आने दूंगी। वर्षा तू बहुत अच्छी है वर्षा। क्या बात है राम सिंह साहब? मोजी पुलिस स्टेशन पे हाजिर है। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। तो मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है? पहचाना नहीं मुझे? पहचाना पहचाना, नाच सिनेमा पे मेरे तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, इसे अपने घर समझिए। कुछ ठंडा पियेंगे? इंस्पेक्टर साहब पहचाना वहचाना कुछ नहीं है, बात बाहर नहीं जाए। अब जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो, नींद आ रही है। आज की रात क्या कहा दोस्त? रात मेरा मतलब है आजकल आपकी रातें कहाँ गुजरती हैं? अरे दोस्त अपना क्या है, कभी चंपा बाई के कोठे पर, कभी मुन्नी बाई के कोठे और पर। वो बिजली बाई है? बिजली, आहा, बिजली का तो जवाब नहीं पवन पुल पर। अरे उसी के लिए तो बाके का फोन हो गया था। बाके मर गया? अरे वो तो कब का पहुंच गया, एक दिन बहुत आंटी आंटी चिल्ला रहा था, राजू भैया को गुस्सा आया और उन्होंने एक उल्टे हाथ के देना तो सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे। मैंने जाके पूछा क्या हुआ तो कहने लगे पहुंच गया। लेकिन उसकी लाश का क्या हुआ? लाश का, हाँ बद्री गाड़ी वाला है ना, वो ले गया। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया ये अपने को क्या मालूम है इंस्पेक्टर साहब, पर वो कहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप बयान लिख रहे हैं जी? फजूल कागज खराब कर रहे हैं। मैं तो बंडल मार रहा हूँ, वर्षा के ड्रामे का सब कुछ सुना रहा था। अच्छा चलता हूँ। मेरा ख्याल है आज रात से हम अपने यहाँ मेहमान रहने में, कल इनसे बात करेंगे। इंस्पेक्टर साहब इसका हाथ बहुत वजनदार है, ये कोई रिटायर्ड दारोगा तो नहीं है ना? आइए आइए चलिए। राजकुमार जी हैं? जी हाँ भाई। उनसे कहो मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, और देखो किसी को पता ना चले कि मैं उनसे मिलने आया। कौन है? छोटे मालिक में लल्लू हूँ। दर्द तेरे, आ जा। क्या है? छोटे मालिक आपसे कुछ मिलने आया। कौन? कोई पुलिस का अफसर है। पुलिस अफसर? पिताजी कहाँ? ऊपर सो रहे हैं। सब उठा। श्याम इतनी रात गए तकलीफ करने का सबब? सबब आप जानते हैं। जी मैं? जी आप। आप घबरा क्यों रहे हैं? आपका दिल धड़क रहा है।
चेहरा पीला हो रहा है। मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूँ जो आपको देख। आप मुजरिम हैं। आपने बांकेलाल का खून किया और बद्री लाश को गाड़ी में उठा देना समझ के वर्षा की मोहब्बत में नाकाम होकर आप उठवा गए। बैठने की कोशिश मत कीजिए। आपके जुर्म के तमाम सबूत हमने मुहैया कर लिए हैं। मौजिद सरकारी गवाह बन चुका है। एक शराबी को अपने मकसद के लिए धमकाकर एक शरीफ शहरी पर इतना संगीन इल्जाम लगाने का नतीजा सोच लीजिए। सोचने का मौका हम आपको देते हैं, वरना मौजिद जिसे हमने सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया है उसके बयान आपको फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए काफी है। मौजे जिसे हमने सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया है उसके बयान तुमको फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए काफी। मौजे जिसे हमने सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया है उसके बयान तुमको फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए काफी। मौजे जिसे हमने सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया है उसके बयान तुमको फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए काफी। कमीने, मेरे खिलाफ गवाही देने चला था। जी हाँ, नकली है। असली मौजी आपके खिलाफ गवाही देने के लिए हमारे हिरासत में महफूज है। अब भी आप इनकार जुर्म से thank you.
तबीयत है डॉक्टर साहब? घबराने कोई बात नहीं। घाव कितना गहरा है, छुरा कहाँ लगा? छुरा? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे तो पहले से ही मालूम है। खामखा परेशान होती है, वो तो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ। मैं उन्हें देख सकती हूँ? नहीं इस वक्त नहीं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप घर जाइए। मैं डॉक्टर साहब उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे घर जा सकती हूँ? आप परेशान ना हो, उनकी देखरेख के लिए यहाँ नर्सें हैं, मैं हूँ, और फिर उन्हें होश में आते ही घर पहुँचा दिया जाएगा। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ा, आइए आइए। आप ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, कोई खास खतरा नहीं। लेकिन आपको आराम की सब जरूरत है। आराम से ज्यादा जरूरी मेरा काम है। लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। मौजी के बयान अदालत में हुए हुजूर। अच्छी बात है, तुम जल्दी जाकर टैक्सी ले आओ। अच्छा हुजूर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर आप मुझे रोक नहीं सकते, जिंदगी से ज्यादा मुझे अपना फर्ज प्यारा है। इंस्पेक्टर तुम चार पांच सिपाही हथकड़ी लेकर तैयार रहो, गिरफ्तारी को जाना है। तुम गाड़ी तैयार रखो। दीदी जी, दीदी जी, साहब अस्पताल से आ गए, पुलिस स्टेशन। शाम, शाम, गाड़ी बंद करो, इस हालत में कहाँ जा रहे हो? राजकुमार को गिरफ्तार करने। लेकिन अपनी हालत तो देखो, तो अपनी जिंदगी के साथ दुश्मनी कर रहे हो। मेरी हालत ठीक है माँ, कोई तकलीफ नहीं, स्टार्ट करो। नहीं ठहरो, तुम ठहरो ठहरो। वो क्या कह रही थी बेटा? हाँ हाँ, यही कि आज उसकी शादी है और उसके माँ बाप ने जिस दिन कितना मन से देखा होगा। माँ मुझे किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। चलो माँ। मैं खूब समझती हूँ बेटा, जरा तुम सोचो तो, सोचो तो बेटा। मगर तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ठहरू तो। मैं क्या तुम ये चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा एक मुजरिम के साथ हमदर्दी करके खुद भी मुजरिम बन जाए? नहीं तो, नहीं मेरे नाम। अपने घर जाओ माँ, किसी मुजरिम के साथ हमदर्दी करना उतना ही बुरा है जितना किसी अच्छे आदमी के साथ बुरा करना। लेकिन मैं माँ हूँ, मेरे दिल। तुम मेरे लिए मत परेशान हो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही के दिलो दिमाग का मालिक कानून और उसका फर्ज है। स्टार्ट करो। नहीं जरा ठहरो तुम, शाम मेरी बात करो तुम, मैं पागल बन गई शाम हूँ, मेरे हाथ कन्या को ले आइए। ये क्या हुआ? ध्यान दीजिए इस बात को, मैं राजकुमार को गिरफ्तार करने आया हूँ। जी वो कातिल है। मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। राजकुमार ने बांके का खून किया वर्षा का पोते। क्या ये साजिश? झूठ, तुमने वर्षा की मोहब्बत में नाकाम होकर। राजकुमार, हो सकता है कि ये लोग भी तुम्हारे झूठ को सच मान ले, मगर सच क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालने का तुमको यही मौका मिला था? मुझे मुजरिम साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। अदालत तुम्हें सफाई का पूरा पूरा मौका देगी। गिरफ्तार कर लो। ठहरो, राजकुमार को छोड़ दो, बाकी खून मैंने किया है, उसकी लाश को मैंने अपनी गाड़ी में ले जाकर इनके मोटर में जाकर डाल दी। तुमने जो कुछ किया हम सब जानते हैं, तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं खूनी हूँ। इसे गिरफ्तार करो। बद्री तुम? हाँ मालिक। मेरा बेटा
करके छोड़ दीजिए। इतना खून नहीं किया, इसने किया, क्यों मत खून किया? मैंने खून किया, मैंने अकेले ने खून किया। मुझे अफसोस है, इस जुर्म में ये दोनों शरीक थे। शामू, ये तुमने क्या किया? शामू, मत तुम यहाँ क्यों चली? इसको गिरफ्तार क्यों किया बेटा? मैं इसने किया, खूनी है। इसने किया, खून इसने किया। माँ ये क्या कर रही हो? के लालच में अगर इस औलाद को न बेचा होता तो आज राजू खूनी न बनता। माँ ये क्या कर रही हो तुम? ये कर रही हूँ। ठाकुर साहब, आपको याद है आज से 25 बरस पहले आपकी पत्नी की देखभाल करने के लिए और बदनगर में एक नौकरानी रखी गई थी। लेकिन आप कौन है? मैं वही अभागन औरत हूँ, इसकी पत्नी और राजू की माँ। राजू की माँ? राजू की माँ? इसे तुम क्या कर रही हो माँ? श्याम, मैं राजू की माँ हूँ। राजू की? तो क्या जो मेरे भाई और मेरे पिता? श्याम, तुम्हारे पिता की तो बहुत भले आदमी है, बहुत भले आदमी है ना। आखिर ये राज क्या, मुझे बताओ ना। बताती हूँ, बताती हूँ। आपके चले आने के बाद आपकी पत्नी तो चल बसी, मगर आपके इस बाबा दान होकर उस बच्चे को मार डालना चाह, लेकिन मैं उसको लेकर भाग गई। क्या मेरा बच्चा सीधा है? कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है? यही तो श्याम। पत्नी? पत्नी कैसा चे? पति बोलो, पति बोलो। हाँ मालिक। और इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, बेटा शाह। बेटा, तो अदालत के हाथ में है, मगर मैं अदालत से रहम की रखा जरूर करूंगा। जज साहब, मुझे कहने का तो कुछ हक नहीं, मगर राजकुमार ने कत्ल जानबूझकर नहीं किया। अफसर सुनाने से पहले ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है। मुजरिम राजकुमार को गैर इरादी कत्ल और पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश के जुर्म 7 साल कैद सख्त की सजा दी जाती है। बदरी टांगे वाले को मुजरिम राजकुमार की मदद और मरने वाले की लाश को जाया करने की कोशिश के जुर्म में 5 साल कैद सख्त की सजा दी जाती है। राजकुमार के वापस आने तक हमारी आंखें भी दरवाजे पर लगी रहेंगी। मुझे ऐसा बनने से कोई ना होगा। नहीं नहीं बहन, ये तो विधाता के खेल है, अब होने से क्या फायदा। चलो घर चलो।